एग्जाम डेट अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो दोस्त, 1 सितंबर है। वॉल पेपर पे लिख लो, फोन में लिख लो, टाइमर लगा लो, टेबल पे लिख लो, जहां मर्जी चिपका लो। इसमें वो गलतियां नहीं करनी है जो इस बार आपने की हैं। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। कब तक गम मनाओगे दोस्त उस एग्जाम का? जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है लाइफ में उस पर फोकस करते हैं। क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज हैं? CDS 2 की डेट हमें पता है ऑलरेडी, सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमें क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। और पॉजिटिव अप्रोच ही एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। मानता हूं कि ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे खड़े हो गए सर इतना बोलना आसान है, दोस्त आसान नहीं है, आपकी फीलिंग समझता हूँ। आप तो एग्जाम में फेल हुए हैं, मैं 2 बार मेरिट आउट हुआ हूँ। चीज़ें CDS का एग्जाम भी क्लियर किया है, FCAT भी क्लियर किया है, CAPF भी क्लियर किया है, बहुत सारे अदर एग्जाम्स का मेंस लिखा है, EPFO का एग्जाम क्लियर किया है, उसमें इंटरव्यू दिया है, तो इतना वास्ट एक्सपीरियंसिस है। और जॉब छोड़ के दिया है प्राइवेट सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में जॉब छोड़ के फिर इस सेक्टर में आए हैं। अब एक ही मकसद है, डिफेंस कम्युनिटी को सर्व करना, अपना बेस्ट देना। इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास CDS के लिए कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रेटजीज क्या होने वाली हैं, अगर हम फोकस करते हैं हमारे एग्जाम पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। और यकीन मानिए दोस्त, इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मैं फेक गाइडेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना मैं ये कहता कि आओ मुझे पैसा दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें पढ़ाऊंगा फ्रीली पढ़ाऊंगा, फ्रीली आपको बताऊंगा, इनका कोई चार्जेस नहीं है सिवाय आपके टाइम के और एफर्ट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूं, नोटिफिकेशन कब आएगी? मई मंथ में नोटिफिकेशन आएगी। लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की? 4 जून। ऑफकोर्स जब नोटिफिकेशन आएगी सबके कान खड़े हो जाएंगे, वो तो बेसिक बात है। एग्जाम डेट अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो दोस्त, 1 सितंबर है। वॉल पेपर पे लिख लो, फोन में लिख लो, टाइमर लगा लो, टेबल पे लिख लो, जहां मर्जी चिपका लो। इसमें वो गलतियां नहीं करनी है जो इस बार आपने की हैं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो प्रीवियस वीडियोस का, हमारा एक अदर चैनल भी है AVKS अकेडमी के नाम से, उस पर CAPF का देख लो। ऑलरेडी इतनी बार चिल्लाया था कि हिस्ट्री मत छोड़ना, इकोनॉमी मत छोड़ना, ये मत छोड़ना, लेकिन स्टूडेंट्स जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक सुनते नहीं हैं। दोस्त हमने कैसे क्लियर किया है? हमने भी तो ऐसे ही क्लियर किया है, पढ़ के ही तो क्लियर होता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, किस सब्जेक्ट पे कितनी एनर्जी लगानी है इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क कभी ये नहीं होता कि 20 पेज पढ़ के चले जाओ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए मुझे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ से कवर करना है, इस पे इतनी एनर्जी लगानी है, इसी को स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता आपके हार्ड वर्क का। 90 दिन है असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, ऑलमोस्ट 90 to 100 days, और 110 दिन के आसपास आप समझिए सितंबर का जो CDS का एग्जाम है इसमें है। जी जान लगा दो दोस्त, आपके साथ खड़ा हूँ। ऑफिशियल नंबर पे कोई भी गाइडेंस चाहिए कॉल करके पूछो, कोई पैसा नहीं है किसी चीज़ का। कमाने के सोर्सेज बहुत है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से कमा रहा था, उस फील्ड को छोड़ के इस फील्ड में आया हूँ। पैसे से इतना मोह नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी इनफ है मेरे लिए। मैं कम्युनिटी के लिए जो जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं सर्व कर दूँ, मेरे लिए इनफ है, वो सेटिस्फेक्शन इनफ है। 36 सोर्सेज और है मेरे कमाने के, वो मैं कमा लूँगा। मेन बात करते हैं कि कितने अटैम्प्ट आपके बाकी हैं। 2 जनवरी 2003 से 1 जुलाई 2003 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है उसके पास IMA INA और AFA के 4 अटैम्प्ट हैं, OTA के 6 अटैम्प्ट। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2003 के बीच में जिसका जन्म हुआ है IMA के 3 अटैम्प्ट हैं, OTA के 5 अटैम्प्ट हैं। 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2002 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है IMA INA के लिए 2 अटैम्प्ट हैं, OTA के लिए 4 अटैम्प्ट हैं। 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2002 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है IMA INA AFA के लिए 1 अटैम्प्ट हैं, OTA के लिए 3 अटैम्प्ट हैं। 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2001 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, सॉरी टू से कि आपके IMA के अटैम्प्ट नहीं है, आपके OTA के अटैम्प्ट हैं, 2 अटैम्प्ट हैं। और 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2001 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है उसका OTA का 1 अटैम्प्ट है। और इनके बीच किसी का भी जन्म हुआ है दोस्त उसके पास CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम के अटैम्प्ट है, फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी है GS की, आपने पढ़ा हुआ है, ऑफकोर्स पढ़ा हुआ है तभी तो एग्ज़ाम देने गए थे CDS का, तो आप अप्लाई कीजिए। पूरी CAPF की हिस्ट्री में कभी भी इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। इसके आसपास जो वैकेंसी थी वो 2018 में थी, 466 वैकेंसी थी इनिशियली, वो भी 370 के आसपास आई थी, बाद में बढ़ गई थी।
अब बात करते हैं कि सीडीएस के पेपर में आपको पता ही है इंग्लिश आती है, ओटीए जैसे को फोकस करना है इंग्लिश रहती है, जीएस या जीके आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, आईएमए के लिए जिसको ऑप्ट करना है उसको मैथ्स का भी अलग से पेपर देना पड़ेगा। कट ऑफ क्या रहेगी प्रीवियस एग्जाम की, उसके रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको देखनी है जाके देख सकते हैं। फैक्ट्स पे ही बात करता हूँ मैं, हवा में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता ही है 120 इंग्लिश और जीके में, मैथ्स में 100 क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट्स है आपके जीएस के जो स्टूडेंट्स इनमें से पढ़ के क्या चले जाते हैं, पढ़ के भी नहीं इसको तो देख के जाते हैं, पॉलिटी हाँ देख लिया, एक करंट अफेयर देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और साइंस, साइंस पढ़ते हैं लेकिन साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, सबको समझ नहीं आती, कोशिश करते हैं वो दोस्त। आपको एफर्ट लगाने हैं, जब सिलेबस में सारे सब्जेक्ट हैं तो ये गलती क्यों कर रहे हो आप कि मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा वो सब्जेक्ट छोड़ दूंगा। और एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी आपके लिए इनफ नहीं है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल दोराही नहीं है इस बात में, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है, बियॉन्ड एनसीईआरटी भी आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं, तभी वो बुक मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती है। लूसेंट क्यों एग्जिस्ट कर रही है इतने सालों से, अरिहंत मनोहर पांडे क्यों एग्जिस्ट कर रही है इतने सालों से, दोस्त बियॉन्ड एनसीईआरटी भी आपको एफर्ट करने होते हैं। डिटेल्ड आपको प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे मैराथन्स देखने को मिलेंगी इस वाले एग्जाम के लिए, सीएपीएफ के लिए जो ट्राई कर रहा है इस पे भी गाइडेंस मिलेगी, एवीकेएस वाले चैनल पे भी मिलेगी। अगर बात करें कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो अगर आप सीएपीएफ में एलिजिबल हैं जो कि ऑफकोर्स आप हैं, तो आप उसके लिए ऑप्ट करो, उसके लिए ट्राई करो, क्योंकि आप जो भी उसके लिए पढ़ोगे वो इसमें काम आएगा। 4 अगस्त को एग्जाम है सीएपीएफ का, 4 अगस्त से 1 सितंबर के लिए डिवोटेड पूरा सीडीएस के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही है। हर सब्जेक्ट की अलग वेटेज है, आपको हर सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हों तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। आपको 20 पेज नोट्स भी नहीं पढ़ने, आपको लक्ष्मीकांत के 1000 पेज भी नहीं पढ़ने, मिडल पाथ फॉलो करो ना यार, बुद्धा के बारे में नहीं सुना क्या, मिडल पाथ हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाता है, एक्सट्रीम स्टेप या तो तकलीफ ही देगा आपको। कोई भी चीज़ में आप एक्सट्रीमिज्म अपनाओगे, अपने थॉट्स में अपनाओगे, किसी भी एक्शन में अपनाओगे, एक्सट्रीमिज्म ही है ये, इंसल्ट है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट की 30 पेज में उसको कवर करना। जो हम क्लास में कवर करवाते हैं उसके मैं नोट्स जल्दी शेयर करूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस बनाऊंगा, आप जुड़े रहिएगा। आपके जीएस को भी आपको इतनी वेटेज देनी है जितनी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, वरना टारगेट इंग्लिश में 85 का रखोगे, ऐसे फ्रेंच वर्ड पूछ के वो 60 पे आपको ले आएंगे, जीएस वाले पेपर में 20 के भी कट ऑफ पार करने, जिनको तकलीफ आई है ना अभी अकेडमी में, अभी वीडियोस डलवाऊंगा स्टूडेंट्स की, जीएस में 40-45 ऐसा स्कोर किया है हमारे स्टूडेंट्स ने विद प्रूफ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था, किस क्लास नोट से था, कौन से पेज से था, वो डला हुआ है। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी। देखो मेरी वीडियोस लास्ट तक वही इंसान सुन पाएगा जिसमें पेशेंस है, क्योंकि मैं झूठे सपने नहीं दिखा सकता। जल्दी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इनसे रिलेटेड, या कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे सीएपीएफ की है चाहे सीडीएस की है, आप बताइए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्त जाने को मैं सिविल सर्विसेज अकेडमी में भी फोकस कर सकता था, लेकिन एक डिफेंस एस्पिरेंट दिल से हमेशा डिफेंस एस्पिरेंट ही रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।